हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर 6, कंफ्यूजन एंड फ्लेम्स। ओके, सो कंफ्यूजन मीन्स होता है किसी चीज का जलना, ठीक है, बर्न होना, ठीक है। एंड विथ फ्लेम, जैसे फ्लेम को तो नॉर्मली डिक्टेट नहीं किया जा सकता है, फ्लेम को सिर्फ समझा जा सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में ये जो इसका अपर पार्ट है, येलो पार्ट, ये क्या है, इसकी फ्लेम है। जैसे गैस में जो ग्रीन कलर की ये आपको फ्लेम आग दिखती है, ठीक है, ये क्या है, फ्लेम है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंफ्यूजन, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, किन किन स्ट्रक्चर्स में फ्लेम होती हैं, टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कितने टाइप्स का होता है, वर्किंग ऑफ अ फायर, एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स की वर्किंग को पढ़ेंगे, लिग्निटेशन टेम्परेचर, फ्यूल्स, फ्लेम्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन के हार्मफुल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। वी आर सराउंडेड बाय एन एनवायरमेंट। हम एक एनवायरमेंट के सराउंडिंग्स में थी तो क्या करते हैं, लीव करते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट्स के सराउंडिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन विच वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑकर्स मतलब होते हैं, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड आर एकम्पेंड बाई दी रिलीज ऑफ एनर्जी। कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं एंड एकम्पेंड बाई दी रिलीज ऑफ एनर्जी, और वो एकम्पेंड करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के साथ, ठीक है। मीन्स जब वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी या हो रही होगी तो उस टाइम से उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकल रही होगी, ठीक है। रिलीज मतलब बाहर होना। वी नीड एनर्जी टू मीट ऑल आवर नीड्स, और ये हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है टू मीट ऑल आवर नीड्स, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ही क्या होती है, नीड होती है। वी ऑब्टेन एनर्जी थ्रू वेरियस वेज, हमें एनर्जीज जो होती हैं बहुत सारे वेजेस के थ्रू क्या होती हैं, ऑब्टेंड होती हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ बाई बर्निंग सब्सटेंसेस लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस एंड LPG। दीज सोर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज फ्यूल्स। ओके, ये जो सोर्सेस होते हैं आर कलेक्टिवली नोन एज, ठीक है, एज फ्यूल्स। जो जितना भी कलेक्शंस है पेट्रोलियम पार्ट्स का, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स का, चाहे वो सॉलिड फॉर्म्स में हो या लिक्विड फॉर्म्स में, ठीक है, ये हम सिर्फ किस नाम से जानते हैं, फ्यूल्स के नाम से। चाहे कोल सॉलिड फॉर्म में हो लेकिन हम इसको जानेंगे किस नाम से, फ्यूल्स के नाम से। और डीजल या कैरोसिन पेट्रोल की बात करें लिक्विड फॉर्म की, तो ये भी हम क्या करते हैं, फ्यूल्स की में ही काउंट करते हैं। By burning a fuel, we obtain heat. जब फ्यूल को हीट कराएंगे, ठीक है, सो बर्न कराएंगे, सो हमको क्या ऑप्टेंड होगी, हीट ऑप्टेंड होगी। दैट इज थर्मल एनर्जी विच इज ऑफन अकम्पेंड बाई लाइट, ठीक है, वी ऑप्टेन हीट, हमें क्या ऑप्टेंड होगा, हीट ऑप्टेंड होगी। दैट इज थर्मल एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। बाय बर्निंग अ फ्यूल वी ऑब्टेन हीट, दैट इज थर्मल एनर्जी विच इज ऑफन अकम्पेंड बाय लाइट, ठीक है। हमें एक थर्मल एनर्जी जैसी ऑब्टेंड होगी, ठीक है, विच इज ऑफन अकम्पेंड बाय लाइट, जो लाइट के साथ जब इसको बर्न कराएंगे फ्यूल्स को, तो बेटा एक लाइट क्या होगी, फॉर्म्ड होगी, ठीक है, अकम्पेंड मतलब निकलेगी, एक लाइट निकलेगी
कंपेंट मतलब निकलना, एक लाइट निकलेगी और फ्यूल थर्मल एनर्जी के साथ क्या होगा, बर्न होगा। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सिर्फ हम लोग नॉर्मली बर्निंग को बहुत साधारण से उसमें जानते होंगे, लेकिन बर्निंग का अब जो इधर है इस चैप्टर में, तो हमारी नॉलेज यहाँ से गेन होंगी कि बर्निंग भी सिर्फ क्या है, एक नहीं है कि मोमबत्ती की बर्निंग हो गई, गैस की, इसकी भी कई सारी क्या होती हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, कि कौन कौन सी प्रोसेस बर्निंग में होती हैं। ठीक है, सो अभी तो आप ये रीड करेंगे कि जैसे कोई मोमबत्ती ये कैंडल बर्न हो रही है, तो इसके जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ हीट लेस होगी या मोर होगी, मिड में लेस होगी या मोर होगी, और एंड में लेस होगी या मोर होगी। तो ये पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये अब आप अपनी नॉलेज को गेन कराने के लिए रीड करेंगे, ओके, स्टडी करेंगे। तो बहुत अच्छे से स्टडी करिए, स्टार्ट भी करते हैं टॉपिक को, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ बेटा, लीड से, मोबाइल से जैसे भी सुनते हो, बहुत आराम से सुनो। ठीक है, कंफ्यूजन, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। भाई कंफ्यूजन प्रोसेस अगर होगी, कोई चीज़ अगर जलेगी तो वो किसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होगी, ऑक्सीजन के। विदाउट हेल्पिंग ऑक्सीजन कोई भी कंफ्यूजन प्रोसेस क्या हो सकती है, डन ही नहीं हो सकती है। कंफ्यूजन इज नॉट डन विदाउट ऑक्सीजन। कंफ्यूजन प्रोसेस जो होगी वो विदाउट ऑक्सीजन के, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगी। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट देगा और लाइट देगा। ठीक है, इज कॉल्ड कंफ्यूजन। फ्यूल इज अ कंपाउंड, फ्यूल इज अ कंपाउंड विच इज ईजली कंफ्यूजबल। फ्यूल क्या है, कंपाउंड है जो ईजली क्या होता है, कंफ्यूजबल। आराम से ही जरा सी आप चिंगारी दिखाइए, तुरंत जलने लगता है। तो फ्यूल इज अ कंपाउंड विच इज ईजली कंफ्यूजबल। तो इसे अंडरलाइन कर लें, बहुत अच्छी लाइन है। अ सब्सटेंस दैट undergoes combustion is said to be combustible। ठीक है, जो सब्सटेंस combustion को undergo करेगा, प्रोसेस को combustion मतलब प्रोसेस उस पर टेक प्लेस होगी, उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा, combustible। ओके, सो combustion involves the burning of a substance। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूजन जो होता है इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें सब्सटेंस क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है। सब्सटेंस की बर्निंग को इन्वॉल्व करता है क्या, कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन का जो वर्ड है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब कोई सब्सटेंस बर्न होगा। ठीक है, तो मैंने अभी वही शुरुआत में यही बताया था। ठीक, एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। चारकोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। अब जैसे चारकोल को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर बोल सकते हैं, तो क्या फॉर्म्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, सी प्लस ओ टू, चारकोल प्लस विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो गिव्स आउट सी ओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, सिमिलरली व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे अगर मैग्नीशियम रिबन को क्या कराएं, बर्न कराएं एयर में, इट गिव्स ऑफ ब्राइट वाइट लाइट। ओके, हमें क्या मिलेगा, एक ब्राइट वाइट लाइट फॉर्म्ड होगी, लिविंग बिहाइंड अ वाइट पाउडर। देखिए ये इस टाइप से, ठीक है, ये ऐश भी बोल सकते हैं, राख भी जो हमको जलने के बाद मिलेगी, एक पाउडर टाइप का मिलेगा, वाइट पाउडर। ओके, सो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, ये बेटा उसमें पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, सो इट गिव्स ऑफ
इट गिव्स ऑफ ब्राइट वाइट लाइट लिविंग बिहाइंड द वाइट पाउडर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस लाइट. ओके, एल्कलीन्स लाइक मेथेन. ठीक है, मेथेन एल्कलीन्स होते हैं. एल्कलीन्स लाइक मेथेन एलपीजी में क्या होता है, मेथेन ही तो मिक्स होती है. ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट. ठीक है, जब एल्कलीन को जैसे जस्ट लाइक एलपीजी, ठीक है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब एलपीजी रिएक्ट होगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, तीन चीज़ों को फॉर्म करेगी. इक्वेशन CH4 फॉर्मूला ऑफ मेथेन इज CH4 प्लस 2O2. CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 2H2O प्लस हीट. ओके, एंड ब्यूटेन के साथ कराएंगे भाई, ठीक है, मेथेन हो गई या ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन के साथ, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4H10, तो 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स आउट 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10H2O वाटर प्लस हीट. ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी. इन रियलिटी कंफ्यूजन प्रोसेस आर नेवर परफेक्ट और कंप्लीट. इन रियलिटी, अगर रियलिटी में बात करें तो कंफ्यूजन प्रोसेस आर नेवर परफेक्ट और कंप्लीट. कंफ्यूजन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट या परफेक्ट नहीं होती है. ठीक है, ड्यूरिंग कंफ्यूजन सम अनबर्ट कार्बन एंड कार्बन कंपोनेंट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2O. ओके, तो ये तो बात सही है कि बेटा जैसे कोई माचिस की सीख भी जलाएंगे तो देखो पूरी तरीके से वो बर्न नहीं होती है. ठीक है, कुछ कार्बन पार्ट्स क्या हो जाता है, उसमें बच ही जाता है लास्ट में. तो इसीलिए बोला गया है इन रियलिटी कंफ्यूजन प्रोसेस आर नेवर परफेक्ट और कंप्लीट. ड्यूरिंग कंफ्यूजन सम अनबर्न्ड कार्बन, बिना जला हुआ कार्बन एंड कार्बन कंपोनेंट्स CO एंड अदर गैसेस आर ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ CO2 प्लस H2O. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ही फॉर्म्ड होंगी. ठीक है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंफ्यूजन हाइड्रोकार्बन्स बर्नड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो इनकम्प्लीट कंफ्यूजन होता है उस प्रोसेस में जो हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो सप्लाइमेशन होता है वो लिमिटेड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ अनबर्न्ड कार्बन. ठीक है, और CO2 प्रोड्यूस होगी विथ अनबर्न्ड कार्बन, बिना जला हुआ कार्बन जो लास्ट में लेफ्ट होता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO2. ओके, द केमिकल इक्वेशंस ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो कुछ इसको इस टाइप से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे. 2CH4 मेथेन प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, यही तो लिखा था, हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे हाइड्रोकार्बन्स को तो CO2 प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग विथ अनबर्न्ड कार्बन. ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक, अनबर्न्ड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक प्लस वाटर. ओके, मींस कहने का ये है कि अगर किसी भी चीज़ को हम बर्न कराएंगे तो अपने बैक में कोई ना कोई पार्ट क्या होगा, छोड़ जाएगा.
ठीक है, जैसे पेट्रोलियम भी कम्प्लीटली बर्न होता है लेकिन बोला जाता है लेकिन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटे से बस उसमें समझिए कि जब उसको बर्न कराएंगे तो कार्बन भी उससे क्या होगा, हमको फॉर्म्ड होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म्ड होगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।